मध्य प्रदेश में अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। इसके तहत सरकार द्वारा जल्द ही मध्य प्रदेश गैंगस्टर विरोधी विधेयक ला रही है। इसमें ऐसे बड़े अपराधी जो शराब का कारोबार करते हैं, जुआ खेलते हैं, भूमाफिया, वन माफिया, विस्फोटक आदि से जुड़े माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन संगठित अपराधों को काबू में करने गैंगस्टर एक्ट लेके मध्य प्रदेश में आ रही है। इसका नाम मध्य प्रदेश गैंगस्टर विरोधी विधेयक होगा। इस गैंगस्टर की व्यापक परिभाषा भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, आपके माध्यम से जनता के बीच में ले जाने की प्रार्थना करूंगा। इसमें संगठित रूप से जो शराब का कारोबार करते हैं वो, जुआ खिलाते हैं वो, भू माफिया, जो हमारे खनिज माफिया, वन माफिया, ये विस्फोटक जो जिसमें आता है, इस तरह के जो संगठित अपराध होते हैं वो सब इस गैंगस्टर कानून के अंतर्गत आएगा। इसमें सजा के लिए भी प्रथम दृष्टया 2 से 10 वर्ष तक की कारावास की सजा होगी, 25,000 का जुर्माना होगा। अगर वह लोक सेवक पर भी हमला करता है, जैसा आपने देखा होगा किसी अधिकारी पकड़ने गए और उन्होंने अधिकारी पर पथराव कर दिया, हमला किया, तो ये सजा 2 की जगह 5 से 5 से 10 हो जाएगी और जुर्माना 30,000 हो जाएगा। जो गैंगस्टर के सहयोगी हैं उनको भी इसमें एक्ट के अंदर लेके आए हैं और उनको भी 3 से 10 साल तक की सजा और जुर्माना उन सहयोगियों पर भी रखा गया है। गैंगस्टर अपने काले कारनामों के द्वारा जो बेहिसाब संपत्ति बना लेते हैं, वो संपत्ति भी राजसात होगी, खुर्द-बुर्द होगी, जब्त होगी। इसी तरह से इनके लिए अलग से विशेष न्यायालय बनाया जाएगा। इस विशेष न्यायालय गठित होगा और उसमें इसकी ट्रायल चलेगी। गैंगस्टर की अनुपस्थिति में भी ये ट्रायल चलती रहेगी, ये बाधित नहीं होगी। इसके साक्ष्य बयान सारे निरंतर जारी रखेंगे, वो वर्चुअल भी हो सकते हैं, एक्चुअल भी हो सकते हैं। इसमें जो इसके साक्षी हैं, इनके खिलाफ जो गवाही देते हैं, उनकी गवाही बंद कमरे में न्यायाधीश के सामने होगी, उन्हें पूरा संरक्षण प्रदान किया जाएगा। बीजेपी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस कर्मियों के लिए बनाए गए बहुमंजिला आवासीय योजना के अंतर्गत बनाए गए 708 फ्लैट का लोकार्पण कर पुलिस कर्मियों को समर्पित किया। इस मौके पर इंदौर शहर के सभी विधायक वहीं मौजूद थे। अब तक पूरे प्रदेश में 2000 से ज्यादा के नए फ्लैटों का लोकार्पण किया जा चुका है। थोड़ी गलती हो सकती है राशि के अंदर, पर 2400 क्वार्टर हमने अपने पुलिस के जवानों के लिए निर्मित करके दिए। कोरोना काल में इतनी तीव्रता से हमने काम किया है। मेरी मान्यता है कि हमारा पुलिस का जो जवान है उसको रात बिरात आना जाना पड़ता है, किराए से रहता है, तो मकान मालिक भी कभी कभी आपत्ति करता है, कभी भी आते हो कभी भी जाते हो। एक दूसरा, उसके बच्चे की अलग सोसाइटी बन जाएगी है, यहाँ अध्ययन के लिए, लाइब्रेरी के लिए, स्विमिंग के लिए, घूमने के लिए जगह होंगी, खेलने को होंगी, तो वो भी निश्चिंत रहेगा, परिवार की ओर से ड्यूटी ठीक कर पाएगा। इसलिए आने वाले 3 साल में हम अधिक से अधिक क्वार्टर बनाने की कोशिश करेंगे। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।